जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और अपना इनर वर्क, अपना नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। आप अपने मन में अपने पर्सन का नाम बहुत ही पॉजिटिव होकर के ज़रूर लीजिएगा और अपने इष्ट को सरेंडर करके देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। आपके पर्सन देखिए इस वक्त अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको भी मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय जो है वो बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में वो ये बात भी उन्हें रियलाइज़ हो रही है कि जब आप रहते हैं उनकी लाइफ में एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही हैप्पीनेस रहती है कि हर चीज़ें यहाँ पे कहते हैं ना उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो आप इस तरीके से उनकी लाइफ में वर्क करते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी इस तरीके से वर्क करती है और यही रीज़न है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त बहुत ही सोच रहे हैं आपके बारे में कि क्या क्या था ऐसा जो आप लोग सेपरेट हुए। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे अपने उनके कार्मिक, अगर आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक हैं, ठीक है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जिनके पर्सन की लाइफ में कार्मिक हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं या कोई उनकी लाइफ में ऐसे थर्ड पार्टी वगैरह इस तरीके से हैं, इस वक्त जो थर्ड पार्टी उनसे जुड़ी हुई है ना वो उनसे कम्प्लीटली एक फाइनेंशियली जो गेन है उसे, उसको फाइनेंशियल जो बेनिफिट हो रहा है ना आपके पर्सन से, उसकी वजह से यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपके पर्सन और कार्मिक पर्सन जो है उनकी थर्ड पार्टी जो है उसमें अभी यही चल रहा है। आपके पर्सन सिर्फ उसकी नीड फुलफ़िल कर रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल नीड है ना वो फुलफ़िल कर रहे हैं, एक दिखावा किया जा रहा है, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन जो दिखावा होता है ना वो यहाँ पे किया जा रहा है आपके पर्सन के द्वारा। और यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनके आपके पर्सन यहाँ पे अपनी कार्मिक से इस वक्त हो सकता है या थर्ड पार्टी जो भी है उससे दूर नहीं हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है या हो सकता है चिल्ड्रंस हो आपके पार्टनर के, तो मैंने 222 देखा है तो यस किसी न किसी व्यूअर के पार्टनर के ऐसे होंगे। तो आप लेकिन आपके पर्सन 222 ये भी दिखाता है कि आपके पर्सन जो है ना आप लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। और कुछ व्यूअर ऐसे भी हैं जिनके पर्सन आपके और अपने थर्ड पार्टी दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से चलना है उनके साथ। आपको यहाँ पे एग्री है आपको थर्ड पार्टी के साथ चलना, कार्मिक पर्सन के साथ आपको यहाँ पे ऑप्शनल बन के रहना भी पॉसिबल है, यहाँ पे आपको ऑप्शनल बन के रहना आपके लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है क्योंकि आपके पर्सन अभी इसी एनर्जी में है, आपके साथ भी बैलेंस बनाना चाहते हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी बैलेंस बनाना चाहते हैं। बैलेंस वहाँ पे इमोशंस नहीं है, इमोशंस सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ है, ट्रू लव सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ है, ठीक है। वहाँ पे फाइनेंशियल जो एक चीज़ होती है ना, फाइनेंशियल गिव एंड टेक, वो यहाँ पे चल रहा है आपके और आपके थर्ड पार्टी के, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होने में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा समय लग रहा है। और यस यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आज फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके पर्सन जो है ना इस एनर्जी में आ चुके हैं किंग ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है जिसे आपके पर्सन जो है फाइनेंशियल जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली जो नीड है ना, हो सकता है थर्ड पार्टी उन पर डिपेंडेंट हो या थर्ड पार्टी इसी वजह से जुड़ी हुई है कि आपके पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, स्ट्रांग हो, ठीक है, इस तरह और बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी में हो आपके पर्सन, रिच हो सकते हैं, ठीक है, कुछ एक स्टेबल लाइफ है उनकी और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इसी रीज़न से जुड़ी हुई है। आपके पर्सन को ये बात अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी उनसे क्यों जुड़ी हुई है, उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, वो सभी इंटेंशंस आपके पर्सन को पता है। इसलिए आपके पर्सन जो है ना अब सोर्ड लेके बैठे हैं कि अब यहाँ पे ये थर्ड पार्टी आपके और इस कनेक्ट आप दोनों के कनेक्शन में अगर आने की कोशिश करेगी तो, क्योंकि पास्ट में इसने की है, पास्ट में इस ये जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है और फादर फिगर भी हो सकते हैं, ठीक है, मुझे फादर फिगर कोई एजेड पर्सन भी हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में जिसने इंटरफेयर किया हो आपके कनेक्शन में। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब कोई आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता है, कोई इल्यूजन क्रिएट नहीं कर सकता है आप दो, ठीक है। पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन को किसी ने
इस तरीके से भड़काने की कोशिश की हो, है ना, लिटरली यही वर्ड मुझे समझ में आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की हो, लेकिन आपके पर्सन आप समझ चुके हैं ये थर्ड पार्टी का क्या इंटेंशन है, इस कार्मिक पर्सन का क्या इंटेंशन है आप दोनों को सेपरेट करने का। तो यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में जो उन्हें मिसगाइड कर रहा था अभी तक, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे अब कोई मिसगाइड नहीं हो रहे। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि उन्होंने आपसे मूव ऑन किया। इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि आपसे क्यों मूव ऑन किया, ठीक है। और जब ये गिल्ट में जाते हैं ना, तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, और ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगते हैं अपने आप को, तभी अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप को एक ऐसे लोनलीनेस में लेके जाते हैं, या खुद को ऐसे प्लेस पर, या खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं कि आप कि वो, क्योंकि उस गिल्ट को फील तो कर रहे हैं, लेकिन उसके उसके अंदर बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हो सकता है 3D में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, तो उन सब उन्हें वो चीज़ें भी फुलफ़िल करनी है, सभी काम भी करने हैं। तो यही रीज़न है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट तो है, लेकिन अपने ऊपर फोकस भी कर रहे हैं, अपने अपनी मटेरियल वर्ल्ड में भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ना चाहते हुए भी यहाँ पे आपसे दूर होना पड़े, इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। लेकिन यहाँ पे ये जो फेज़ आपके बीच में आया ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पे ये फेज़ जो आपका ख़त्म भी होने वाला है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक मैसेज भी है कि जिन तक भी वीडियो पहुँच रहा है, आपको आपके पर्सन को प्रोटेक्शन भी दे के रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी है, ये जो थर्ड पार्टी है, जो कार्मिक एनर्जीज हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ये कुछ ना कुछ फिर से यहाँ पे ऐसे नेगेटिव रिचुअल्स कर सकती हैं, जो आपको पर्सन को यहाँ पे फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आना आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी वाइज उनमें चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी है जो डेविल एनर्जी है, इसे तो पता है ना कि आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। डेविल को सब पता चलता है, तो वो फिर से अपना कोई ना कोई गेम खेलने की कोशिश करेगी नेगेटिव रिचुअल्स के थ्रू। तो आपको प्रोटेक्शन दे के रखना है, और आप नरसिम्हा जी का कवच कर सकते हैं, कवच भी कर सकते हैं, और मेरे मुँह से कवच निकला है तो कवच भी करिए ज़रूर, और नरसिम्हा जी को मारक मारक मंत्र है वो भी आप ज़रूर कीजिए, उस डेविल एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के इंटेंशन से। हमें एनर्जी को ख़त्म करना है, पर्सन को नहीं, ये बात याद रखिए, है ना। पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे आपके पर्सन देखिए यहाँ पे बहुत ही एंगर वाली एनर्जी में, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा तांडव मचा के रखा हुआ था, पैसों से उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, ठीक है। उन्हें एज अ ATM ही समझ लीजिए आपके पर्सन को, इस थर्ड पार्टी ने, इस कार्मिक एनर्जी ने यूज़ किया है फाइनेंशियल गेन के लिए, आपके पर्सन को यूज़ किया है। और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी के लिए कोई इमोशंस मुझे फील नहीं हो रहे हैं, और आपके लिए इस एनर्जी में, आपके पर्सन यहाँ पे आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, अपनी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में समझ रहे हैं वो, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हों, आपने ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाई हों, ठीक है, अपने ट्रू इंटेंशंस आपके लिए छुपाए हों। आपको ऐसा कहा होगा कि उनके मन में कोई ऐसा नहीं है, वो आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ट्रू इंटेंशंस आपको बताया भी हो, लेकिन इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, आप उनके लिए क्या हैं, और आपसे उनको कितनी पॉजिटिव एनर्जीज फील होती हैं, कितनी डिवाइन एनर्जीज आपसे फील होती हैं, आपसे उनको हीलिंग एनर्जीज मिलती हैं, आपसे उनको पॉजिटिविटी मिलती है, तो ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की होगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा ईगो नेचर भी हो सकता है, और ये, लेकिन अब एनर्जीज जो हैं ये बैलेंस में आ रही हैं, ये आपके पर्सन की जो ये एनर्जीज हैं ना, अब बैलेंस में आ रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको हाई प्रिस्टेज की एनर्जी में देख रहे हैं, और आपके पर्सन जो यहाँ पे जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो इस आपके काउंटर पार्ट भी हैं, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके ट्विन फ्लेम यहाँ पे हैं, आपके DM DF, आप जिस एनर्जी में यहाँ पे ये आपके काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं। और ये कन्फर्मेशन है इस बात का अगेन कि आप जिनके साथ ये डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप इस वक्त इस कनेक्शन में हैं, भले ही जिस भी सिचुएशन में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, ठीक है, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, बट ये सबके लिए नहीं है, जिनको यूनिवर्स ने कन्फर्म किया है, ठीक है, वो इसके लिए है। और उसके बाद यहाँ पे 7 of Wands का कार्ड अगेन, यहाँ पे आपके पर्सन देखिए बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए इस वक्त, आपके लिए जो भी कोई यहाँ पे उनको नेगेटिव बातें बोल रहा है ना, उल्टी सीधे बातें आपके लिए कह रहा है, आपके लिए उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आप वो किसी से भी कोई नेगेटिव बातें आपके लिए नहीं सुन रहे हैं, ठीक है।
और आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन का रिचुअल भी करना स्टार्ट किया हो इस कनेक्शन के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रेमेडी करना शुरू किया है, यूनिवर्स ने उन्हें गाइड किया है। हो सकता है आपने पास्ट में उन्हें बताया हो कोई ऐसा रिचुअल, कोई ऐसी रेमेडी, बजरंग बाण, दुर्गा कवच, इस तरीके से, तो वो उन्होंने करना शुरू किया है अपने आप को, खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए और आपको भी प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि इंट्यूटिव लेवल पर डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं ना, उनकी उन्हें बहुत कुछ पता होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी डिवाइन मस्कुलाइन है, ऐसे ही नॉर्मल सोल नहीं है वो। इंट्यूटिव लेवल पर उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बट क्या होता है कि 3D में ये चीज़ें जो हैं वो माया उलझा देती है उन्हें, कार्मिक लोग जो होते हैं वो उलझा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ पे आपके पर्सन का इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिररिंग हो रही है। अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और साथ में आपके पर्सन एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे यहाँ पे, फर्म एक्शन लेंगे। और देखिए, एक्शन की बात की ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट फेज आपका ख़त्म होगा, आपको कॉल मैसेज यहाँ पे आपके पर्सन का ज़रूर आएगा। ओ वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द सन यहाँ पे देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और डेफिनेटली आप यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन की अवेकनिंग कंप्लीशन के फेज़ में आपका ये जर्नी चल रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में है, और अगर आप ये जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये कोई कॉमन ट्विन फ्लेम्स रीडिंग नहीं है स्पेशली, ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे आप जिन भी पर्सन के लिए देख रहे हैं वो यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री होकर के यहाँ पे आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी बंधन से मुक्त होकर के आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत यहाँ पे करना चाहते हैं। और ये 10-10 का नंबर है, तो डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, और बहुत ही जल्दी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी, बहुत ही इमिडिएट यहाँ पे आपके एक्शन हो सकता है, ठीक है, विद इन 10 आवर्स, विद इन 7 आवर्स, विद इन 4 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 13 आवर्स, मुझे आवर्स में ज़्यादा फील हो रहा है। तो आवर्स में आपकी इस तरीके से यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज कॉल यहाँ पे आ सकता है आपके पर्सन का आपके लिए, ठीक है। कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर यहाँ पे देंगे, बट यस, कॉल मैसेज आपको ज़रूर देंगे। ये थी आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।